नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शुक्ला आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो हमने 10 क्वेश्चन किया था, उसमें मिसिंग टर्म निकाला था। तो अब हम 11 क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा है द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ फंक्शन आर रेस्पेक्टिवली 168, 120 एंड 72 एंड 63 एट 4 पोजिशन 3, 7, 9 एंड 10। फाइंड द वैल्यू पोजिशन 6। तो हमें F6 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास टेबल की दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है और Fx की वैल्यू दे रखी है। तो इसको पहले हम लिख लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी x की वैल्यू है 3, 7, 9, 10, 3, 7, 9, 10। और ये हमारी Fx की वैल्यू है। तो अब हम डिवाइडेड डेल डिफरेंस की टेबल बनाएंगे। तो इसमें से पहले इसको माइनस करेंगे, 120 माइनस 168, अब हो जाएगा 3 माइनस 7 माइनस 3। तो ये हमारा आएगा माइनस के 12। अब इसमें से इसको करेंगे और फिर इसमें से इसको डिवाइड देंगे, तो ये हमारा आएगा माइनस के 24। अब इसमें से इसको और फिर इसमें से इसको डिवाइड देंगे, तो ये हमारा माइनस के 9 आएगा। नेक्स्ट निकालेंगे डिवाइडेड डेल उसका Fx, तो अब हो जाएगा हमारा माइनस के 24। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12। अब डिवाइड देंगे एक छोड़ के, तो 9 माइनस 3, तो ये हमारा आएगा माइनस के 2। और अब इसमें से इसको करेंगे, तो माइनस के 9 एंड माइनस माइनस प्लस के 24 अपॉन, अब इसमें से इसको करेंगे 7, तो 3 हो जाएगा 10 माइनस 7, तो ये हो जाएगा प्लस के 5। अब नेक्स्ट टर्म निकालेंगे डिवाइडेड डेल क्यू Fx, तो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन 10 माइनस 3, तो 7 हो जाएगा 10 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 1 बार, तो ये हमारी 1 वैल्यू हो गई। अब हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, इंटरपोलेशन के लिख सकते हैं हम, यहीं पे लिख देते हैं फॉर्मूला। तो ये होता है हमारा Fx इज इक्वल टू F0 प्लस x माइनस x0 डिवाइडेड डेल Fx प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 डिवाइडेड डेल स्क्वायर Fx। वो F0 कर सकते हैं F0। अब हमारा हो जाएगा नेक्स्ट टर्म प्लस एक्स माइनस x0 एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x2 डिवाइडेड डेल क्यू F0। तो हमारा क्यू तक है, तो हम क्यू तक ही रखेंगे फॉर्मूला। तो जैसा कि हम F6 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब F0 की वैल्यू 168 है, तो 168 हो जाएगा प्लस, अब ये x की वैल्यू 6 है, X0 की वैल्यू हमारे पास 3 है, डिवाइडेड डेल Fx की वैल्यू हमारे पास माइनस के 12 है, प्लस 6 माइनस 3 6। अब हमारी F1 की वैल्यू हमारे पास 7 है, ये X0, X1, X2, X3, ठीक है। तो यहाँ पे 6 माइनस 7 हो जाएगा। अब डेल स्क्वायर की वैल्यू -2 है, तो अब हम -2 करेंगे मल्टीप्लाई में माइनस के 2। अब फिर करेंगे नेक्स्ट टर्म, तो 6 माइनस 3 6 माइनस 7 एंड नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 9 है, तो 6 माइनस 9 हो जाएगा इनटू प्लस की है क्यू में वैल्यू, तो हम 1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा पहले हो जाएगा 168 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू माइनस के 12 प्लस 3 इंटू
माइनस के वन इंटू माइनस के टू प्लस थ्री इंटू माइनस के वन इंटू माइनस के थ्री इंटू वन, तो ये हमारा हो जाएगा 68, 168, और यहाँ पे माइनस के हो जाएगा 36, ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 3 6, फिर अब ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 9 जा वो 3 3 जा 9, तो अब हमारा ये टोटल हो जाएगा 147। तो ये हमारी एफ सिक्स की वैल्यू हो गई। उसमें एफ सिक्स की वैल्यू पूछी है, उसमें पॉइसन सिक्स की पूछी है, तो देखते हैं हमारी वैल्यू सही है कि नहीं। तो एफ सिक्स की वैल्यू 147, तो यही हमारी आई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब।